ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ MPSC मेडिकल ऑफिसर सिलेबस 2019 के बारे में, साथ ही मैं आपको उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, ये जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक मेडिकल ऑफिसर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जो मैं आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देने वाला हूं, ये इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस है, यानी कि आप इसको अनुमानित सिलेबस बोल सकते हो या फिर आप लास्ट ईयर का एग्जाम सिलेबस भी इसको बोल सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको इसके इस भर्ती के बारे में शॉर्ट ओवरव्यू बता देता हूं। नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MPSC बोलते हैं। नेम ऑफ पोस्ट मेडिकल ऑफिसर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOB बोल देते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1065 है, यानी कि जो वैकेंसीज निकाली गई हो 1065 है। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के अंदर होगी। जॉब कैटेगरी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स, ये भर्ती मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। कैटेगरी सिलेबस, दोस्तों ये वीडियो सिलेबस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन द रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस का तरीका रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। यदि अगर जो 1000 पोस्ट निकाली गई है, अगर आप में से इसकी 5 गुना ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर 1065 का हम 5 गुना करते हो तो शायद 7000 के करीब होगा। तो अगर 7000 फॉर्म इनके पास पहुंचते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पास, तो ये रिटर्न एग्ज़ाम लिखित रिटर्न एग्ज़ाम कराएंगे, मतलब रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। लेकिन अगर 7000 से कम फॉर्म उनके पास पहुँचते हो तो फिर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, यानी कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। और ये जानकारी मैंने इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में पढ़ी है, इसी वजह से मैंने आपको ये जानकारी बता रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट www.mppsc.nic.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, तो चलिए मैं आपको अब इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दे देता हूं, जो कि है MPSC मेडिकल ऑफिसर एग्जाम पैटर्न 2019। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं, ये इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, जो आपका एग्जाम टाइप रहेगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQ, जिसको हिंदी में वो विकल्प के प्रश्न भी बोलते हैं। सब्जेक्ट इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज के रहेंगे, जिसके लिए आपको 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स दिए जाएंगे। और इसके अलावा आपके एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस के लिए आपको 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होंगे वो 125 होंगे और मार्क्स आपके 125 होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो आपका एग्जाम का मीडियम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश रहेगा, यानी कि आपका एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उसके सिलेबस के बारे में जानकारी बता देता हूँ। ये सिलेबस भी इसका एक्सपेक्टेड है, यानी कि अनुमानित है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, पहला सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके अंदर जो टॉपिक्स रहेंगे वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन ETC, नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एवरेजेस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, HCF एंड LCM, मिक्सचर एंड एलिगेशन। दोस्तों, अगला टॉपिक सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। तो दोस्तों, इसके टॉपिक्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुक्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, करंट इवेंट्स, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इंपोर्टेंट डेट्स, जनरल पॉलिटिक्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इकोनॉमिक स्कीम्स, साइंस, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, अबर्वेशन, इंपोर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो अगर कहीं पर मुझसे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको सिलेबस बताने की हिम्मत कर रहा हूँ। दोस्तों, अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसके अंदर जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो है सिनोनियम्स, आइडम्स एंड फॉर्सेस, ग्रामर, वर्ब्स, आर्टिकल टेंस, एरर करेक्शन, एडवर्ब, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्रेशन, एंटोनियम्स, वोकैबुलरी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। दोस्तों, अगला सब्जेक्ट है रीजनिंग, और इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं वो है मिरर इमेजेस, एम्बेडेड फिगर्स ETC, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल सीरीज, नंबर रैंकिंग, डायरेक्शन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट सीरीज, डिसीजन मेकिंग, एनोलॉजी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, क्यूब्स एंड डाइस। दोस्तों, यह है इसका सिलेबस। दोस्तों, जो मैं आपको एक बार अच्छे से बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की जानकारी दी है, ये इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस है, यानी कि आप इसको लास्ट ईयर का सिलेबस बोल सकते हो, क्योंकि अभी तक इसका ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे ही इसका ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अनाउंस होता है, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब मैं वो वीडियो बनाऊँ वो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट में आपसे यह कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।